बोलिए भारत माता की। अरे इतनी आवाज लगाओगे तो काम कैसे चलेगा। आपकी अथक और मेहनत के परिश्रम से आज मध्य प्रदेश ने देश के अंदर इतिहास बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जोरदार आवाज के साथ भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी और जिन्होंने इतने कम समय के अंदर मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। हमारे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने का देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया, तो आज जीत का रिकॉर्ड भी विदिशा लोकसभा से बनाया है, ऐसे आदरणीय शिवराज जी भाई साहब का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी भाई साहब, आदरणीय जवान सिंह पवैया जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता विधायक रामेश्वर जी, भाई विष्णु खत्री जी, हमारी आदरणीय महापौर, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और विधायक भाई भगवानदास सवरानी जी, राज्यसभा की सम्मानित सदस्य बहन कविता पाटीदार जी, हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री बहन हमारी कृष्णा गौर जी, और हमारे आज भोपाल के जो 5 लाख ऊपर मतों से जीत करके आज भोपाल में भी रिकॉर्ड बनाया है, ऐसे हमारे सांसद भाई आलोक शर्मा जी, और उपस्थित हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, और उपस्थित आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर इतिहास बनने जा रहा है। ये जो जीत हुई है मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिला है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर जो जनता ने तय किया था कि हम तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए हमारा जो संकल्प है वो जनता ने आज उस संकल्प को एनडीए को बहुमत देकर के, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर के आज देश के अंदर फिर इतिहास बनने जा रहा है। विकास और गरीब कल्याण को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का आज देश के अंदर जो जनादेश मिला है, इसलिए हम माननीय प्रधान और बड़ा अपडेट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी शाम 7:30 बजे का वक्त। इसी बात का जिक्र अभी शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने भी किया कि बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, उन्हें सबको सुनना है। 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, और जाहिर तौर पर बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री, और इस बात से भी अपना अंदाजा लगाइए आप कि उन्होंने पूरी कैंपेनिंग को अपने ऊपर लिया और अपने दम पर वो इस बड़े और जादुई आंकड़े को पार करके यहां तक पहुंचे हैं, और यही वजह है कि अब वो अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी का जिक्र बीजेपी करती है, कार्यकर्ताओं को तरजीह और तवज्जो देने की बातें बीजेपी करती है, यही वजह है कि आज बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ लगी हुई है। बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और फिर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इस बात का जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे थे कि आज उन्हें सुनना है, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय। 239 पर बीजेपी फिलहाल नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के टोटल नंबर से ज्यादा बीजेपी के पास आंकड़ा है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुशील, 7:30 बजे, पहले 7 बजे कहा जा रहा था, अब टाइमिंग में बदलाव हुआ है पीएम के पहुंचने को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से पहले फिलहाल टाइमिंग 7 बजे था, लेकिन बदलाव उसमें किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के रुझान अभी देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर सीटों पे अभी जो फिलहाल जीत है या हार है वो दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए फिलहाल ये इंतजार किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो रुझान ना होकर जो रिजल्ट है वो सबके सामने आए, उसके बाद फिलहाल इस पूरे मामले में जो घोषणा फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद अब करेंगे उस पर फिलहाल लोगों की नजर रहेगी। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्ष के लोग हैं उनकी भी नजरें प्रधानमंत्री के संबोधन पर रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री जिस तरह से जीत के मार्जिन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को सुनना चाहेगा, न केवल विपक्ष बल्कि पूरा देश प्रधानमंत्री को सुनना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां। और बड़ी खबर, 7:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और तब तक अधिकतर सीट जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसा सुशील बता रहे थे, बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ लगी हुई है और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। विनीत हमारे सहयोगी बीजेपी हेडक्वार्टर जुड़ गए हैं। विनीत, अभी फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें, क्या हलचल? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय विस्तार में जो है वो लोगों के जुटने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और अब सेलिब्रेशन का भी सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा बलून जो है वो लगाया गया है। एक बार फिर से मोदी सरकार और बीजेपी का जो लोगो है वो यहाँ पर जो कमल का निशान है वो यहाँ पर जो बलून दिखाया गया है, तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो अब यह मान रही है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो है वो यह मान रहे हैं कि अब उनकी जो है वो तीसरी बार जीत हुई है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने का कार्यक्रम है, तो वहां पर कार्यकर्ता जो है वो उनका अभिनंदन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनका अभिनंदन जो है वो स्वीकार करेंगे और उनसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा, संदेश भी होगा कि आखिरकार, हालांकि अगर हम बात करें एनडीए जो है वो लगभग 300 के आंकड़े को छू के पास है, नजदीक है, लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें बीजेपी पिछली बार 303 में थी या फिर 2014 की बात करें तो उस वक्त भी 272 जो मैजिकल फिगर है उससे ऊपर थी, लेकिन इस बार जो बीजेपी का जो आंकड़ा है लगभग 250 के लगभग आंकड़ा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह का संदेश जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देते हैं यह देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो है वो पटाखे भी जो है वो भी लोग जो है वो जो कार्यकर्ता है समर्थक है वो यहां पर छोड़ रहे हैं। ये तो साफ तौर पर उत्साह का जो माहौल है वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, वो मोदी सरकार के बिल्कुल बिल्कुल आप आएंगे हम आगे आपके पास अपडेट के लिए और लगातार इसी तरह अपडेट लेते रहेंगे। अब इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, क्या समय है, क्या जमाना है, कैसा हमारा अपने सामने कोई रिकॉर्ड बना है और ऐसा रिकॉर्ड बना भाई साहब, माननीय शिवराज सिंह जी, भाई साहब माननीय प्रभात जी, माननीय अध्यक्ष जी, कि अब इसके बाद तोड़ने के लिए कांग्रेस सहित किसी पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं। 29 के बाद 29 की 29 सीट कुछ बचता है क्या? इतना जबरदस्त रिकॉर्ड और रिकॉर्ड भी भाई साहब, ये मैं देख रहा था आंकड़े तो जोड़ बाकी लगा लगा के मैं इधर से सोचूं बोलूं तो क्या बोलूंगा। 11 लाख जोरदार तालियां इंदौर के लिए, 11,11,000। आप माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब जोरदार तालियां, 8,21,000। ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे सुबंग, जैसे किसी को अपन नेक देते ना सुबंग की तरफ से देते हैं तो वो आंकड़ा भी मिला के दिया, इसमें कोई कम नहीं है। 11,000 से ऊपर 8,21,000 वो जो आंकड़ा है अपना हिसाब बनता है और हमारे अपने 5 लाख से ऊपर वाले 3 अलग अलग कैंडिडेट, माननीय सिंधिया जी, माननीय वीडी जी के लिए जोरदार तालियां बजा हमारे बीच में और भोपाल के लिए। अब कोई क्या सोच सकता है कि कौन सा क्षेत्र है, मध्य भारत भी आ गया, बुंदेलखंड भी आ गया और ये मालवा बुंदेलखंड का सेंटर भी आ गया और 8 सीटें 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाले जीत रहे, तो ऐसे छप्पर फाड़ के जीत रहे, जोरदार तालियां अपने आप के लिए, कोई कांग्रेस के लिए कोई कसर ही बाकी नहीं। और 29 में से 25 सीट